हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे मैं कपड़े डालने आई हूँ, मतलब कपड़े मेरे धुल गए हैं। और जैसे सैटरडे की इनकी ड्रेस थी, वाइट ड्रेस, वो भी थी धुलने के लिए, क्योंकि हम घर चले गए थे देहरादून, तो फिर कहाँ से धुलने थे। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए हैं मेरे, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है। और बस यहाँ पे कपड़े, यहीं से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आजकल ना सुबह मेरा मन ही नहीं कर रहा वीडियो स्टार्ट करने का, इतना आलस रहता है ना कि क्या बताऊँ। बस जैसे कैसे बच्चों का बनाती हूँ नाश्ता पानी, और उसके बाद फिर मैं मतलब देरी में काम स्टार्ट करती हूँ। काम तो क्या ही है, आपको पता ही, इतना भारी कुछ काम है नहीं। तो बस काम स्टार्ट करती हूँ, और जो वैसे वैसे रेस्ट भी करती हूँ। और काम ना, मैं जब आजकल ना ऐसा होता कि मैं ये घर में ही रहते तभी मेरा झाड़ू वगैरह सारा, वो किचन वगैरह सारा हो जाता है, तो फिर वीडियो भी नहीं बन पाता। और बस ऐसे ही होता है, तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। सुबह ही हो जाता है, मतलब ये जाते हैं 8:30 से 9 के बीच में जाते हैं, 8:30 पौने 9 करीब जाते हैं, तो तब तक मेरा झाड़ू हो जाता है। मतलब पोछा तो नहीं होता है, पर झाड़ू और सिमटाना वगैरह किचन वगैरह हो जाता है, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बन पाता। और यहाँ पे आज अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैंने छोले डाले थे, बहुत टाइम बाद छोले डाले भिगोने के लिए, मतलब छोले उबाले हैं, तो आज मैं छोले बना रही थी। और ये मसाला, मतलब प्याज टमाटर वगैरह सब मैंने चॉपर में कर दिया था, तो बस यहाँ पे अब छोले डाल लूँगी। और अभी आपको लग रहा होगा पानी पानी है, तो अभी पकेगा, खैर पानी पानी तो नहीं रहेगा, बट ये कि हम चावल के साथ रखेंगे तो थोड़ा लिक्विड ही तो रहेगा। तो बस यहाँ पे छोले मेरे बन गए, अभी काफ़ी देर उबलेंगे ये, तो आ जाएंगे अपने अच्छे उसमें ना टेस्ट में। तो बस यहाँ पे छोले मेरे उबल गए हैं, और इतने ही ठीक रहेगा। और अभी तो जैसे अभी रख देंगे ना, चावल भी मैंने चढ़ा दिए, तो जब तक खाएंगे तब तक ये थोड़ा और गाढ़े हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना पीना बन गया है, और इसके बाद में फिर गई थी, 1 बजे का टाइम था, खाना बन गया था, बच्चे आते हैं 2 बजे, तो मुझे ना ये अलमीरा बाहर करनी थी, तो बस ये काम मैंने छोड़ रखा था आज बाद में के लिए। और तो इसके ऊपर मेरी 2 पेटियाँ हैं, पेटियाँ के बच्चों के क्राफ्ट्स वगैरह ही हैं उसमें, जो ये बनाते हैं ना उसमें, मतलब वो स्कूल के लिए, तो वही जब सब है उनमें। तो 2 पेटियाँ हैं छोटी छोटी, और एक मैंने अपना वही मतलब वो लेगिंग्स वगैरह हैं वो रखा हुआ है इसके ऊपर, तो वो मैं नीचे निकाली थी। और क्योंकि वो ये मैंने कहा कि इसको बाहर निकालना है, क्योंकि ना यहाँ इसके पीछे है खिड़की, और अब हम सोने लगे हैं अंदर, तो फिर ना मतलब घुटन सी लगती है मुझे ना, और इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसे निकाल देते हैं, क्योंकि अंदर सो रहे हैं तो ये रहता है कि खिड़की खोल लो तो थोड़ा ये कि बाहर की हवा आ ही जाती है, चाहे हवा ना आए पर थोड़ा खुला खुला सा हो जाता है, गैस वगैरह जो रहती है अंदर की बाहर चली जाती है ना। तो इस वजह से इस अलमीरा को हमने लाना है बाहर पे, जहाँ पे हमारी चेयर के बगल में जहाँ पे मशीन है ना, वहाँ पे रखना है हमें। तो मैंने ना इसके अंदर से पहले बुक्स निकाल ली है, क्योंकि बुक्स ही भारी होती है ना, तो बुक्स मैंने निकाल ली हैं। कपड़े भी हैं इसके अंदर, कपड़े तो अभी हैं ही, बट बुक्स मैंने निकाल ली हैं, तो बुक्स भारी होती है, इस वजह से तो ये कि अलमीरा खिसकाने में थोड़ा आसानी रहेगी। और डांट भी खाई मैंने आके, इन्होंने कहा था कि मैं कर दूंगा, पर वही होता है इनके भरोसे रहो फिर शाम को काफ़ी काम हो जाता है। काम क्या, मतलब बच्चे भी रहते हैं, हौच पौच सा लगता है मुझे, तो इस वजह से इस टाइम पे मैं अपना सारा काम कर ही लेती हूँ। तो बस अलमीरा तो बाहर आ गई है, ये आ गई है अपनी जगह पे, जैसा आप देख ही रहे होंगे, पहले भी यहीं पे थी। तो ये है कि फिर हम यहाँ पे गर्मियों में यहाँ सोते हैं बाहर वाले रूम में, फिर अंदर कर दी थी, अब सर्दियों में अंदर वाले रूम में सोते हैं, तो ये मैंने बाहर कर दिए। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, छोटा सा रूम, छोटा सा घर है ना, तो उसमें एडजस्ट करना ही पड़ता है, कभी इधर से कभी उधर से। तो सब इनकी बुक्स वगैरह सारी मैं इनकी जगह पे रख दूंगी। अच्छा, भारी बहुत होती है बुक्स वगैरह ना, अलमीरा आसानी से खिसक गई थी, पहले मैं ऐसे ही खिसकाती थी, बट खिसकाने के लिए तो ऐसे ही खिसक जाती है, लेकिन ना मतलब खिसकाने में फिर वो होता है, वो ना थोड़ा खराब वैसे, मतलब वो ख़राब हो जाती है, मतलब टूटने का वो रहता है। तो इस वजह से इस बार मैंने कहा चलो मैं वो कर देती हूँ, निकाल देती हूँ इसे, बुक्स वगैरह निकाल देती हूँ। और अब बच्चों के रिवीजन भी स्टार्ट हो गए हैं, फाइन मतलब हाफ ईयरली होने ही वाले हैं उनके, तो फिर ये है कि कॉपियाँ वगैरह भी निकालने के लिए भी ठीक रहता है बाहर भी, यहाँ पे ना कपड़े निकालने के लिए भी थोड़ा दिक्कत तो होती थी, बस ऐसे ही एडजस्ट कर रखी थी मैंने अलमीरा यहाँ पे, क्योंकि बाहर पे जगह नहीं थी इस वजह से। तो अब ये है कि सही हो गया, मतलब बाहर पे रख दिए, तो अब जो इसके पीछे की खिड़की है ना वो खुल जाएगी अब ना,
तो बस रख दिया है। और सामान तो रख निकाल लाने के लिए कुछ भी ला लो, बट वो ये जगह की जब कमी हो तो फिर दिक्कत तो होती है। और बात ये नहीं है, ये है ना कि किराए के कमरे में ज़्यादा जोड़ना भी नहीं चाहिए सामान, क्योंकि फिर इधर से उधर वो खाली करो कुछ करो तो दिक्कत तो थी। और फिर भी हमारा काफ़ी हो गया सामान ना, तो बस ये मैंने पेटियां बाहर रख दी। ये मुझे ना अब ये पेटियां अंदर रखनी है, वो अलमीरा है ना उसके अंदर, और मैं रख ही नहीं पाई आज क्योंकि फिर हम कहीं चले गए थे जब ये आया ऑफिस से, फिर उसके बाद थकान हो गई थी। तो बस मैंने ये कर दी है, तो मैंने कहा चलो खिड़की खोल के खिड़की साफ़ भी कर देते, और साफ़ ही थी खिड़की, शायद मैंने अभी कुछ टाइम पहले करी होगी ना, तो साफ़ ही थी खिड़की, कुछ था ही नहीं खिड़की में, मतलब धूल वगैरह भी नहीं थी, थोड़ा बहुत एक दो जाले थे लगे हुए, नहीं तो वैसे साफ़ थी। तो अभी खिड़की खुल गई ना तो रूम भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मतलब, तो बस खिड़की तो साफ़ ही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ब्रश से भी मैं जाली वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और ये वाला ब्रश बहुत अच्छा है जालियाँ सा ये जाली साफ़ करने का। हाँ बस ये है कि थोड़ा दरवाजे की मतलब हमारे मेन डोर में ज़्यादा रहता है ना, इस वजह से उसमें इतना परफेक्ट काम तो नहीं करता, डबल जाली भी रहती है बट, लेकिन ये सिंगल जाली खिड़कियों में रहती है इसके लिए बहुत अच्छा है, ये एकदम से साफ़ हो जाता है। तो बस ये मैंने कर दिया है। और अब जो नीचे अलमीरा के पीछे भी थोड़ा बहुत था कूड़ा धूल वगैरह, उसको भी मैं उठा के उसको भी ले जा लूँगी, और फाइनली मेरा आज ये काम भी हो गया। कब से सोच ही रही थी मैं इसे, तो आज ये काम भी हो ही गया। सो हेलो फ्रेंड्स, मैंने ना वीडियो नहीं बनाया कोई दिन के बाद, मैं रोटी बना रही हूँ अभी, तो दिन के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और मेरा फ़ोन मैं बोल रही थी ना ख़राब हो गया, तो फ़ोन में ना ऐसी मतलब स्क्रीन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पता नहीं कुछ हिल गया होगा अंदर से, तो ये है कि डिस्प्ले वगैरह सब सही थी, तो ज़्यादा पैसे लगे, 500 रुपये में काम हो गया मतलब, तो बस फ़ोन सही हो गया है। और दिन में मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दिन में ना इनके स्टाफ में कोई हैं, तो हम मतलब उनके देवर एक्सपायर हुए हैं तो उनके घर गए थे। और फिर अभी ना मेरे सर दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसी जगह जाती हूँ ना तो थोड़े जैसे रोते हैं और मतलब अजीब सा होता है मेरा मन ना, तो हल्का सा सर दर्द हो रहा था। तो मेरा बेटा बोलता है अक्सर ना मेरे जैसे सर में दर्द होता है तो मैं बांध देती हूँ, उससे काफ़ी रिलीफ मुझे मिलता है। तो हनु बोलता है मम्मी बांधो ना सर, जैसे आप बांधते हो बांधो, बांधने वाला कर लो बांध लो। तो फिर अभी मैंने बांधा था, अभी मैंने खोला, रोटी बनाने लगे डब्बा निकाला ही तो बस मैंने कहा चलो रोटी बना देती हूँ, और 9 बजे बनाती हूँ, तो बच्चे जैसे अब 9:15 बजे करीब खा लेंगे, फिर थोड़ा देर रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद 10 बजे में बच्चों को सुला देती हूँ। और ऐसी नींद आती है ना बच्चों को कि ख़तरनाक वाली, क्योंकि दिन में नहीं सोते, दिन में मैंने बच्चों को बंद कर दिया अब सोना, क्योंकि अब ये होता है ना मतलब, फिर अगर दिन में सो जाओ तो रात को बड़े नखरे करते हैं सोने के लिए। तो बस अभी बच्चे पढ़ रहे थे, अभी अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनकी भी सरदर्दी अलग ही है। तो इस बार मैंने तैयारी करा रखी है पहले से ही, मतलब अभी सब सारे सब्जेक्ट की भी नहीं हुई है बट करा रही हूँ, तो चलो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है, क्योंकि बच्चे घर में कर ही लेते हैं, स्कूल में ही उनके जब स्कूल में जाते हैं पता चलता है एग्ज़ाम का। तो बस यही सब थी, तो फिर वहाँ से आए, वहाँ से फिर दोबारा हम नहाए, और होते ही ना इसी जगह से होते नहाना ठीक रहता है, फिर उसके बाद कपड़े भी धुले, और कपड़े धुले बल्कि जो मैंने सामान खाली किया था वो मतलब उसके ऊपर से जो पेटी आई थी वो भी मैंने अरेंज नहीं करी, करूँगी अब कल ही करूँगी, कल मुझे वाली मेरा सेट करनी है पूरी, उसके अंदर ही रखने हैं वो, तो बस करूँगी। और मैंने कहा चलो वीडियो बना ही रखा है, एंड तो कर ही दो अपने वीडियो का, क्योंकि वीडियो बनी है बना हुई है। तो आज दिन में छोले बचे हुए, छोले बनाए थे जैसे, तो छोले ये कि ज़्यादा ही बन जाते हैं ना, तो वैसे मैंने सिंपल ही बनाए थे अपने स्टाइल में बनाती, तो मैं जो मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ बड़े टेस्टी बनते, लेकिन फिर ज़्यादा मेहनत कौन करे, दिल का ही तो है कभी हाँ कुछ स्पेशल हो तो फिर होता भी है कि अच्छे से बनाऊँ, और बच्चे ज़्यादा मसाला वगैरह खाते भी नहीं, तो इस वजह से भी फिर ज़्यादा मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। और पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही, मेरे ना कान बंद हो रखे हैं, मुझे इस तरह मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है, पता नहीं कि मेरे कान ना अक्सर बंद हो जाते हैं, मुझे इसका उपाय बताना कुछ, मेरे कान ना अक्सर बंद हो जाते हैं। तो बस यही सब चल रहा है लाइफ में, तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।